जबलपुर शहर के गढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऑटो में रखा सोने चांदी से भरा बैग चुराने वालों को गढ़ा पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया है एवं उनके पास से सोना चांदी भी जब्त कर लिए हैं। गढ़ा TI राकेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 अगस्त को बबीता मांडवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह लखनादौन से जबलपुर अपने मायके आई है। तभी ऑटो पर बैठकर यह अपने मायके गुप्तेश्वर की ओर जा रही थी। तभी कुछ देर के लिए वह अंधमुख बाईपास के पास रुके, तभी चोर और ऑटो में रखा सोने चांदी से भरा बैग लेकर उड़ गए, जिसकी रिपोर्ट महिला ने गढ़े थाने में की, जिस पर गढ़ा पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए दोनों फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। वहीं विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर TI राकेश तिवारी ने एक टीम तैयार की, जिसमें यह योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी गई, जहां पर दोनों आरोपियों को एक साथ जो कि पुलिस को देखकर भागने लगे थे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। जो लखनऊ बीयर डांडी की रहने वाली लखनऊ में पति के साथ रहती, वहाँ से वो अपने भाई के साथ में आई थी। अपने भाई के साथ में वो बस से आई और ऑटो में अपना एक बैग रख पीछे बैग रख दिया और ये लोग बैठ के आए। रास्ते में उन्होंने देखा इनका बैग ऑटो में नहीं है, तो ये ऑटो वाले को ढूंढते पता करते रहे। तो जब नहीं पता चला तो कल ये लोग आके रिपोर्ट दर्ज कराए कि एक बैग चोरी हुआ है, जिसमें सोने की 45 चांदी की पैर पट्टी या पाजे पायल